अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। लेकिन आज आपका भाई फिट फाट नहीं है। इसकी क्या वजह है? आज हमारे साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से आज ये वाली वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है, और बट से बिल्कुल हटके ही वीडियो है। आज जो है हमारा मोबाइल जो है हमारे पास से निकल गया और चोरी हो गया। वो कैसे चोरी हुआ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम सुबह की मैंने वीडियो बनाई है पूरी आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी मैंने आज प्रोग्रेस की वीडियो बनाई थी कि आप लोग खुश होते हैं कि प्रोग्रेस की वीडियो देख के। तो मैं बना के बस निकला हूँ, और जो है मैं पढ़ाने जाता हूँ, जिससे कि सब लोगों को पता ही है, मैंने बताया बार बार वीडियो में मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाने गया हुआ था, उसके बाद जब मैं वापसी आने लगा तो आज बारिश हो रही थी, तो चिंकी वगैरह में मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए। तो वापसी में जब मैं आ रहा था तो बस में बस मुझे मिली और बस में बैठ के मैं आ रहा था। तो जब मैं वापस आने लगा बस में बैठ के, तो ऐसा हुआ कि जब मैं बैठा तो मेरे उस टाइम बस खाली थी। तो जब मैं बस में थोड़ा अपने घर के पास आने लगा बिल्कुल, तो बस जो है आस्ते आस्ते भरने शुरू हो गई और तकरीबन फुल भर गई थी। लोग खड़े भी थे उसके अंदर। वैसे अमूमन इतना रश नहीं होता बस के अंदर, कि मैं अक्सर हर रोज़ आता जाता रहता हूँ। तो उसमें ऐसा हुआ कि फिर मैं अपने जेब में मैं रखा हुआ था हाथ भी, कि मोबाइल वगैरह जो थे पैसे वगैरह ना निकले। लेकिन जब मेरा घर बिल्कुल करीब आया तो मैं अपनी सीट से जब उठा, तो होता है कि बीच में से हम लोग निकल के लोगों को हटा के जब आते हैं तो आपको पता है बस वाला एकदम रोकता भी नहीं है। तो जब मैंने जैसे ही साइड में मैंने बंदे को किया कि भाई मुझे जगह दो उतरने के लिए, तो जैसे मैं उतरा और जो है 4-5-6 कदम मैं आगे बढ़ा हूँ तकरीबन, और आप लोगों को पता है बस वाले कैसे भगाते हैं, तो वो स्पीड से भगाता हुआ ले गया। तो जब मैं उतरा 3-4 कदम मैं जब आगे बढ़ा अपने घर के गेट की तरफ, तो ऐसा हुआ कि वो जब मैंने मुझे लगा कि जेब मेरी हल्की हल्की सी हो रही है, जब मैंने जेब में हाथ मारा तो जेब में मोबाइल नहीं था। तो मैं वापस पलट के मैंने देखा तो बस जो है काफ़ी आगे जा चुकी थी। तो मैं बोला मैं अच्छा नहीं रहेगा मैं उसके पीछे भागता हुआ जाऊँ बस के पीछे, और मैं पकड़ भी नहीं सकता था वो फिर भी, क्योंकि बहुत स्पीड से भगा रहे थे, तो क्योंकि रश चल रहा था बस के अंदर। तो ये हुआ, तो वरना तो मैं जाता और हो सकता मोबाइल मिल भी जाता मुझे, लेकिन बस दूर जा चुकी थी। तो अब ऐसा है कि अब जिसने भी मोबाइल निकाला अल्लाह ताला ऐसे हिदायत दे उसको कि आइंदा कभी ऐसी चोरी ना करे। मोबाइल तो चलो फिर आ जाएगा इंशाल्लाह, और ये इसी वजह से आज हम आपको वीडियो नहीं मिली है। तो आप लोग ये वाली वीडियो देखें, बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, तो इसी तरीके सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग जो हैं अपने आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। तो ये भी बस आज बताना था, वरना लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा होगा कि और ये भी है कि कुछ लोगों ने मुझे ऑर्डर एडवांस ही पैसे दिए हुए थे, ऐसा ना वो लोग सोचें आज एक भाई को ऑर्डर उठाने के लिए आना था तो हो सकता है मुझे कॉल कर रहे हों और मुझे कॉल ना लगे उनको। तो ये है कि वो समझ जाएँ कि मेरा जो मोबाइल जो है चोरी हो गया, इसकी वजह से कॉल नहीं लग रही, वरना लोग समझते हैं कि शायद ये भाग गया पैसे लेके। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक दो दिन बाद जब मैं इंशाल्लाह मोबाइल दूसरा ले लूँगा तो फिर आप लोगों के साथ अपना कॉन्टैक्ट तो आप लोग पता ही है, वही से मैं निकलवा के फिर इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और दुआ करें अब जो है इस तरीके से ना हो और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।